हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है इंटरफेसिंग स्टेपर मोटर विथ 8051 माइक्रो। यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी है कि ये आते ही एक स्टेपर मोटर रहता है जो कि आपको इंटरफेस करना रहता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर से आपको। चलिए ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली स्टेपर मोटर काम कैसे करता है। तो ये देखिए, ये स्टेपर मोटर का क्या होता है, बीच में एक मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है स्टेपर मोटर में, परमानेंट मैग्नेट है ये वाला। और उसके आजू बाजू में चार कॉइल्स लगे हुए हैं। तो ये क्या करता है, जब आप यहाँ से सिग्नल छोड़ते हो, मीन्स यहाँ पे लॉजिक्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लॉजिक बन जाएगा, यहाँ पे ये वन हो जाएगा, बाकी ये एक दो तीन चार, ऐसे चार ये लगे हुए हैं जो कॉइल्स। तो क्या होगा, जब यहाँ से आप सिग्नल वन देते हो तो ये क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है, बाकी सब के सब क्या रहते हैं, डी एनर्जाइज रहते हैं। मीन्स अभी आपका सपोज़ अगर यहाँ पे आपका साउथ पोल था तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पक्का है कि यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो क्या होगा, ये स्टेप पर रहेगा। और उसके बाद क्या, अगर आपको इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इसे डी एनर्जाइज करना पड़ेगा, इसको एनर्जाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ से एक सिग्नल, फिर इसको वन दोगे, इन दोनों को जीरो जीरो और इसको भी जीरो कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा और ये बराबर 90 डिग्री में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कंटिन्यूसली अगर आप जैसे अगर इसको एनर्जाइज करते हो तो ये टोटली 180 डिग्री, मीन्स यहाँ पे 90 पे आया था, फिर यही इस साइड में आ जाएगा और ये साउथ पोल इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये इतने 90 से घूमता है। तो टोटली अगर हम इस कौन से माइक्रो कंट्रोलर के फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके काउंट्स रहेंगे ना, काउंट्स, तो आपके काउंट्स कितने हो जाएंगे, पूरा आपको अगर एक रोटेशन करना है आपके, यानी आपका कितना हो जाएगा, पूरे 4 काउंट हो जाएंगे। जैसे कि ये इधर एक काउंट हो जाएगा, इधर 2 काउंट हो जाएगा, इधर 3 काउंट, यहाँ पे 4 काउंट, ये आपके काउंट्स बन गए, ठीक। तो इस तरीके से वो काम करेगा। तो नीचे मैंने वही किया है कि माइक्रो कंट्रोलर में जब आप यूज़ करते हो ना तो उसके अंदर एक लॉजिक डेवलप होता है, तो लॉजिक वो इस तरीके का रहता है। ये स्टेप्स आपके, मतलब यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 स्टेप्स, ये इधर से पहले स्टेप पे इधर आ जाएगा, 90 डिग्री से शिफ्ट होगा, फिर ये एनर्जाइज होगा, बाकी सबके सब डी एनर्जाइज होंगे, तो ये फिर से 90 डिग्री से शिफ्ट होगा, यानी इधर से 1, इधर से 2, 3, 4, यानी आपके 4 पैटर्न ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। 4 स्टेप्स आपके यहाँ पे, तो मैंने ये लिख लिया है। तो यहाँ पे जो डेटा है ना, वो डेटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने यही डेटा लेना है, बस एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एक, मतलब हर एक जो डेटा है, मतलब जो आप सीरीज़ में ले रहे हैं, 2 1 होने चाहिए और 2 0 होने चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको एक ऐसा बना के ले लेना है, एक पैटर्न बना के ले लेना है, जिससे कि आप इसको एनर्जाइज और डी एनर्जाइज कर सकें। तो ये लॉजिक सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जाके अप्लाई होंगे और उसके हिसाब से क्या होगा, आपका ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट रोटेट होगा, आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट रोटेट होने वाला है सिंपली। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने उसके नीचे एक इंटरफेसिंग भी बना ली है उसकी। तो ये आपकी इंटरफेसिंग है, इधर मेरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसके आगे मैंने एक बफर लगाया है और उसके आगे जस्ट UL3 2003 ड्राइवर है। ये ड्राइवर किस लिए लगने वाला है, ताकि जो कुछ भी सिग्नल आपके यहाँ से बफर से निकलेंगे, बफर से निकलने के बाद उसको आपको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, इधर वो जाएगा और यहाँ पे उसको कौन सी भाषा समझने वाली है, जो ड्राइवर समझाएगा उसको तो भाषा उसको समझेगी, यानी लॉजिकल लॉजिक फॉर्म में आपके ये जो ABCD लिखे ना, तो ये इन पे ए, ये जो डेटा है यहाँ पे, तो सेम डेटा कहाँ पे लगने वाले हैं, यहाँ इन चार कॉइल्स पे लगने वाले, और ये कॉइल में से क्या होगा, इधर आपका +12 वोल्ट आउटपुट में आएगा, ओके। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं, आप इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, तो इसको इंटरफेस कैसे करते हैं। अभी यहाँ तक तो हमको सब कुछ पता चल गया कि किस तरीके से क्या होने वाला है। तो सेम ये वर्किंग थी उसकी, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग आपको समझ में आ गई, यानी आपको प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम तो आप कैसे भी लिख लेंगे, बट आपको वर्किंग इसकी समझ में आनी चाहिए। तो वर्किंग मैंने आपको जैसे बताई पहले ही, तो उस हिसाब से होने वाली है। तो चलिए हम लोग अब प्रोग्राम देख लेते हैं कि इसकी प्रोग्राम कैसे होने वाली है, ओके। ALP की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ALP इंटरफेस करना है आपको, क्या स्टेपर मोटर को 8051 माइक्रो कंट्रोलर से आपको इंटरफेस करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, मैंने यहाँ पे कौन सा पोर्ट लिया है, पोर्ट P1 पे मेरे आउटपुट लिए ना। तो आउटपुट अगर आप P1 पे ले रहे हो तो आपको इनिशियली क्या करना पड़ेगा,
आपको तो ये पता ही होगा कि इनिशियली आपको करना क्या पड़ेगा। सपोज़ मेरे P1 पे कोई ना कोई तो डेटा हो सकता है, या फिर P1 में को डिफाइन करना ही है। आप कुछ भी कर लो, आपको वो डिफाइन करना ही। तो मैं क्या कर दूँगा उसको डिफाइन करने के लिए, मूव P1 हैश 00H। तो ये क्या होगा, 00H ये जो डेटा है ये मेरा P1 पोर्ट पे चला जाएगा, यानी ये मेरा किस हिसाब से काम करने वाला आउटपुट है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सिम्बोलाइज कर दिया है। तो ये मेरा, तो ये आपका एज आउटपुट पोर्ट अब एक्ट करेगा। ठीक है, मैंने हैशटैग 00H दे दिया, यानी इसको एक इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज कर दिया। ओके, इनिशियलाइज करने का मतलब ये आपका आउटपुट पोर्ट जैसा काम करने वाला है। ओके, तो उसके बाद आपका क्या इंस्ट्रक्शन रहेगा, अब यहाँ पे ना आपको एक DPTR लेना पड़ेगा, जो कि आपका होता है डाटा पॉइंटर। तो डाटा पॉइंटर सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, ये एक यूज़र एसेसिबल रहता है, मीन्स यूज़र जिस हिसाब से यूज़ करना चाहता है वो इस हिसाब से इस पॉइंटर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक लोकेशन दे देता हूँ, लोकेशन है मेरा 09000H। ओके, ये मेरा लोकेशन है। क्या होगा, दरअसल जो इसके ऊपर कंटेंट रहेगा ना, तो हम लोग उसको बाद में मूव करने वाले DPTR पे ही। जो DPTR पे क्या है, ये एक एड्रेस है। ओके, एड्रेस का है, एड्रेस एज अ वैल्यू काम करने वाला है, ये इसके लिए यूज़ होने वाला है। समझ रहे हैं ना, तो सिंपली इसके लिए यूज़ होने वाला है। तो ये हो गया आपका, तो इधर से आपका क्या हो रहा है, इधर से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 स्टेप्स हो रहे हैं, यानी इधर काउंट कितने रहेंगे आपके, काउंट टोटली आपके कितने होने वाले, 4 होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा काउंट रहने वाला है, तो काउंट की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, 4। तो मैं क्या कर लूँगा, उसको मूव एक R0 रजिस्टर है, उस रजिस्टर पे मैं क्या कर लूँगा, 04H को मूव कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी काउंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये DPTR है, DPTR ये भी एक आपका रजिस्टर होता है, 16-bit का रजिस्टर होता है, 2-byte लेंथ रहता है इसका। ओके ओके, तो ये हो गया। तो उसके बाद मेरा अगला इंस्ट्रक्शन है मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट DPTR। ओके, तो ये हो गया। तो इधर क्या होने वाला है, मूव एक्स, यानी एक्स का मतलब क्या हो रहा है आपका, 16-bit, समझ रहे हैं, 16-bit का रजिस्टर है। ओके, तो क्या होने वाला है, जो कुछ भी कंटेंट था, कंटेंट मेरे 900H 000H पे जो कुछ भी कंटेंट था, वो क्या होने वाला है, वो इधर से निकल के कहाँ पे आने वाला है, मेरे एक्यूमुलेटर में फिक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में आके मेरा फिक्स हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मेरा पहला वैल्यू था 0AH, तो क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे, इस लोकेशन पे मेरा क्या रहेगा, 0AH था। ठीक है, 0AH रहेगा, तो वो DPTR में है। तो फिर मैंने क्या किया, ऐट द रेट DPTR, तो DPTR में से क्या हो गया, वो चला जाएगा आपके आपके ए में चला जाएगा। ओके, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, मूव P1 A। ओके, अब क्या होगा, आपका DPTR से आपके एक्यूमुलेटर पे गया। ठीक है, अब अपने को करना क्या है, अब अपने को आउटपुट देना है। क्या देना है, हमें आउटपुट देना है। तो आउटपुट आपको कहाँ पे मिलने वाला है, आपके P1 पोर्ट पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इधर इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज़ करने के बाद मैंने क्या किया, P1 पे A का, A में जो कोई भी वैल्यू था, यानी A में मेरा वैल्यू अब कितना रहेगा, यहाँ पे मैंने मेरा पहला डेटा क्या था, 0AH था। तो 0AH क्या हो जाएगा, मेरा P1 पोर्ट में चला जाएगा। तो यह आपका जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर में जो कुछ वैल्यू थी वो आपके P1 पोर्ट पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है, तो ये P1 पोर्ट से यह आपका आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट में आने के बाद इधर से क्या होगा, एक बफ होगा, बफ होने के बाद ड्राइवर को जाएगा, ड्राइवर के बाद आपके कॉइल्स पे आ जाएगा, और कॉइल्स उसके हिसाब से आपके रोटेट होने वाले हैं, कॉइल के ही हिसाब से आपका स्टेपर मोटर रोटेट होने वाला है। ओके, तो इस हिसाब से वो आपका काम होने वाला है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर से मैंने P1 पोर्ट पे एज आउटपुट ले लिया। अब आपका जो आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट आपको, आप माइक्रो कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर में, तो आपका सारे इंस्ट्रक्शन कितने देर में हो जाता है, माइक्रो सेकेंड में हो जाता है। तो उतने देर में तो एक ह्यूमन बींग तो पता नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, LCALL डिले,
आपको एक डिले लेना पड़ेगा, आपको कितनी देर के लिए उसे रोकना है, कितनी देर के लिए स्टेपर मोटर को जो स्टेप कर रहा है उसको कितने देर के लिए रोक के फिर दूसरा स्टेप लेना है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप एलकॉल डिले ले सकते हैं, वहाँ पे एलकॉल डिले ले लिया। एलकॉल डिले होने के बाद आपको करना क्या है, इंक्रीमेंट करना है आपको, इंक्रीमेंट करना है किसे, DPTR को, जो डाटा पॉइंटर है आपका, डाटा पॉइंटर का आपको इंक्रीमेंट करना है। मैं आपको ये इसके बारे में पूरा पूरा बताता हूँ, पहले प्रोग्राम हम लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, डिक्रीमेंट करना है, DCR डिक्रीमेंट करना है आपको, R0 जो आपकी काउंट की वैल्यू थी वो आपको डिक्रीमेंट करना है। फिर आपको JNZ जंप नॉट ज़ीरो, इधर आपको जंप करना पड़ेगा, अगर जीरो नहीं रहेगा तो एक अप वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक अप लेबल ले लेता हूँ, और ये आपका L लेबल कहाँ पर जाने वाला है, ये इस जगह पर जाएगा, ठीक, वो भी बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या होने वाला है, LJMP start, ये भी आपका एक लेबल है। हाँ, तो अब देखिए होने वाला क्या है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपने क्या किया, MOV P1 #00H, तो क्या हो जाएगा, ये जो P1 पोर्ट है ये एज अ आउटपुट पोर्ट काम करेगा। उसके बाद क्या किया, यहाँ से मेरा प्रोग्राम अब स्टार्ट हो रहा है, MOV DPTR #9000H, ये मैंने एक लोकेशन ले लिया, मेमोरी लोकेशन ले लिया, मेमोरी का, और वहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, उसे मैंने DPTR में डाल दिया, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आपका 9000H पे क्या डेटा रहने वाला है, 0AH रहने वाला है, ओके, तो 0AH रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, MOV R0 #04H, तो यहाँ पे आपका काउंट की वैल्यू कितनी है, 04H है, ओके, 04H। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, MOVX A@DPTR, ठीक है, DPTR जो कोई भी कंटेंट रहेगा, यानी यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना था, 0A था, ओके, 9000H पे मेरा वैल्यू था 0AH, तो क्या होने वाला है, 0AH इधर से मूव होकर ये जाने वाला है मेरे एक्यूमुलेटर A में, ओके, एक्यूमुलेटर A में चला जाएगा, और क्या होगा, एक्यूमुलेटर A में मेरा वैल्यू कितना था, 0A था, ठीक है, क्या था, 0A था, तो अब क्या हो जाएगा, 0A मेरा P1 पोर्ट पे, ओके, तो P1 पोर्ट मेरा ये वाला, तो ये P1 पोर्ट पे मेरे को मिल जाने वाला है, P1 पोर्ट पे 1 2 3 4 जो P1 पोर्ट है ना, इस पोर्ट पे मेरे को वो 0A मिल जाने वाला है। तो ये यहाँ से कहाँ पर जाएगा, बफर में जाएगा, बफर से इधर जाएगा, और जो 0A जो वैल्यू है, 0A की वैल्यू ये पूरे पूरे मेरे इस पे दिखेगी, यानी 0A मेरा कितना है, 1010, उसके हिसाब से ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इस हिसाब से इसका पैटर्न ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, आपको एल कॉल डिले देना है, आपको थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को रोकना है, आपको उसके रोटेशन को रोकने का है, तो आप वो ले लें। उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज DPTR, यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है, जो आपके इधर DPTR #9000H था, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया, क्या कितना हो जाएगा आपका, 9001H हो जाएगा, और वहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी अब 09H, ओके, तो अभी तो ये सिर्फ इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया, होने के बाद इधर क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट R0, जो आपका R0 यानी 04H जो वैल्यू है, काउंट की वैल्यू, ये आपका क्या होने वाला है, डिक्रीमेंट होने वाला है, ठीक है, तो 04 था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रोटेशन ले लेगा, यानी इस पोजीशन से अब ये इस पोजीशन पर चला जाएगा, ये जो आपका मैग्नेट है इस पोजीशन से अब इस पोजीशन पर चला जाएगा, 90 डिग्री घूम चुका है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, ये डिक्रीमेंट R0, ठीक है, उसके बाद जंप नॉट ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है फिर से ये अप पे जाने वाला है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट DPTR हो चुका था आपका, इंक्रीमेंट हो गया, यानी क्या हो जाएगा, पहले 9000H था, 0A था, उस पर इंक्रीमेंट हो जाएगा, 9001H हो जाएगा, यानी आपका वैल्यू अब कितना आ जाएगा, DPTR की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 09H हो जाएगी, ठीक है, तो 09H इस पर जो अब वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 09 आ जाएगी, ठीक है। अब 09 क्या होगा, मेरे P1 पोर्ट पे एक्यूमुलेटर के थ्रू, एक्यूमुलेटर में आ गया था, तो एक्यूमुलेटर के थ्रू मेरा P1 पोर्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे P1 पोर्ट पे मेरा 09 डेटा आने वाला है, तो 09 इसमें जाएगा, बफर में बफ करेगा, फिर उसको ड्राइवर को देगा, ड्राइवर से आपका कॉइल में आपकी वाला जो ये जो लॉजिक बना हुआ है, ये वाला जो लॉजिक बना है, ये लॉजिक आपका इस कॉइल पे दिख जाएगा, ओके,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 09H जो वैल्यू है वो आपका P1 पोर्ट पे आ जाएगा। फिर LCALL डिले फिर से देंगे, LCALL डिले फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे DPTR को, डिक्रीमेंट करेंगे R0 को, यानी ये अब कितना हो जाएगा आपका 03 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से जंप नॉट ज़ीरो, अब क्या हो जाएगा ये आपका वैल्यू पूरा ख़त्म हो गया। फिर से जंप, ओके जंप नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा फिर से अप पे जाने वाला है। ठीक है, अप पे जाएगा, फिर से वही चीज़ रिपीट होने वाला है। आपका क्या हो जाएगा उसके बाद DPTR की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 9002H05 हो जाएगा। फिर से वो क्या होने वाला है इंक्रीमेंट होके 9003H होने वाला है। तो सबसे पहले क्या हुआ आपका ये मैग्नेट इस तरीके से ऐसे इस डायरेक्शन में था, तो ये कैसे घूम गया आपका इस डायरेक्शन में घुमा, ओके इस डायरेक्शन में घुमा। तो अब इस डायरेक्शन से क्या होना, फिर से जब आपका DPTR इंक्रीज़ हुआ आपका काउंट कम हो रहा है, उसके बाद आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है फिर से वो DPTR आपका इंक्रीज़ हो रहा है, फिर से ये जो नीडल है या फिर मैग्नेट है वो इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके तीन काउंट हो गए। और ये एक बार फिर से जब उस ये वाला एनर्जाइज हो जाएगा फिर ऐसे में घूमेगा, यानी ये टोटल आपके काउंट्स टोटल कितने काउंट हो गए आपके 4 काउंट हो गए। तो ये डिक्रीमेंट होते होते आपका काउंट चला जाएगा 0 पे। ठीक है, पहले कितना था 04 था, फिर 03H पे आया, यहाँ पे मेरा काउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा काउंट R0 में जो कुछ मेरा काउंट की वैल्यू थी वो मेरा डिक्रीमेंट होते होते 02 पे गया, फिर 01 पे गया, फिर 00 पे कुछ भी काम नहीं होगा मेरा। इधर ये L जंप स्टार्ट, ये स्टार्ट पे चला जाएगा, और स्टार्ट पे जाने के बाद फिर से अगर मेरे को कंटिन्यूसली अगर वो स्टेप्स फिर से मेरे को चाहिए तो मैं उसके हिसाब से फिर से ये स्टार्ट पे लेके जाऊंगा, और मेरे को फिर से कंटिन्यूसली वो जो स्टेप का मेरा रोटेशन था तो वो रोटेशन मेरे को उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा वैल्यू कौन सी गई 0A गया, फिर 09 गया, फिर मेरा क्या जाने वाला है 05 की वैल्यू जाएगी, फिर 06 की वैल्यू जाएगी। ओके 05 भी चला गया, 06 भी चला गया, ये वे मेरी वैल्यूज़ हो गई। मेरा काउंट वैल्यू भी अब 00 हो चुका है और जंप नॉट 0 अब, बट यहाँ पे मेरा क्या है 0 हो चुका है। तो 0 होने के बाद क्या हो जाएगा L जंप स्टार्ट, स्टार्ट पे फिर से जाएगा, और ये मेरा कंटिन्यूसली जब तक मेरे को चलाना है ये लूप मैं तब तक चला सकता हूँ, और जैसे ही मेरा काम हो जाएगा उसके हिसाब से मैं इस स्टेपर मोटर को बंद कर दूँगा। तो थैंक यू ये वाला वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो सच में अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं।